अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने बिज़नेस के लिए कोई पोस्टर किस तरह बना सकते हैं। बिज़नेस करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है या कोई ढाबा है तो आप किस तरह मतलब कि उसका एक पोस्टर वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने इस एप्लीकेशन से ये वाला पोस्टर सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट पर चला जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर गुल खान, ठीक है, KHAN खान होता है, ठीक है, गुल खान। एंड नेक्स्ट इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इसको इस तरह बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा करने के बाद इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसको मैं रोटेट करता हूँ, थोड़ा सा राउंड करता हूँ एंड यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। राउंड करने के बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसका मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ। कलर मुझे चाहिए येलो येलो कलर यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ येलो, यार यहाँ चलें ये ठीक है। एंड इसके बाद बस ठीक है, और यहाँ पर मैं और टेक्स्ट लिख देता हूँ ढाबा गुलखाना, सॉरी बीफ पुलाव, ठीक है गुलखान बीफ पुलाव यहाँ पर अभी भी सेट नहीं हुआ, ठीक है। एंड कलर यार ये ठीक है, और मुझे चाहिए फॉन्ट, ये वाला फॉन्ट कैसा रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसका भी कलर वेल एंड गुड नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, चलें ये सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो है ये वाला गुलखान बीफ पुलाव, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ एंड नेक्स्ट ये कि बहरहाल खैर ये भी ठीक है। एंड इसको मैं सबको लॉक लगा देता हूँ, इसको भी लॉक, इसको अनलॉक एंड इसको भी अनलॉक, अच्छा चले बस कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख दें यार बाय शाह जी रोड, कोई भी लिख दें, मैं आरजी तौर पर लिख रहा हूँ ROAD रोड, ठीक है। और इसको ओके कर दें, ओके करने के बाद यहाँ पर ले आए, ठीक है। और इसका कलर तो लास्ट मंथ चेंज करना पड़ेगा यार, क्योंकि आई थिंक ये कलर अच्छा नहीं है यार, चलें ये कलर इस पर ही गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। जो भी कलर वगैरह वहाँ से आप जाकर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें अपने गांव में याद रखें, और यहाँ से हम इसका कलर भी साथ में चेंज कर देते हैं। आप कहेंगे यार इसने कलर चेंज नहीं किया, चलें ये कलर भी चेंज हो गया, ओ यार शिट नो, इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा, ये ग्रेडियंट पैटर्न ये ठीक है, नहीं यार ये ना नज़र नहीं आ रहा कलर, और ये वाला ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो
पसंद आई होगी, पसंद आई तो जल्दी से धड़ाधड़ लाइक सब्सक्राइब मार दें भाई चैनल को, ताकि हमें भी कोई मुश्किल पेश ना हो और आपको भी कोई बंदा ढूंढना पड़े ना पड़े अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।